हेलो चिल्ड्रन, वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर थर्ड, सो वी विल कंटिन्यू इट टुडे, है ना। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। शंग एट सत्वाहंस। आफ्टर अशोक हिज हायर्स कुड नॉट मेंटेन देयर होल्ड ओवर द एम्पायर। अशोक के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे तो राज्य पे नियंत्रण नहीं रख पाए। शंग द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लास्ट मौर्य एम्पायर। शंग कौन थे? सेनापति थे। किसके? जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, ब्रह्मदत्त। क्या नाम था उनका? ब्रह्मदत्त। किल्ड हिम इन 184, उन्होंने उसको मार डाला। का 184 बिफोर क्राइस्ट एंड एस्टेब्लिश शंग डायनेस्टी। और फिर उन्होंने अपना शंग राज्य स्थापित करा। पुष्यमित्र सन, पुष्यमित्र के जो बेटे थे अग्निमित्र, लिव्ड इन विदिशा एंड रूल ओवर हिज एम्पायर। वो कहाँ रहते थे? विदिशा में। और साम्राज्य का शासन जो था उन्होंने संभाल लिया। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अहुत इन विंध्या रीजन प्रूव दैट दिस एरिया वॉज अंडर द डोमेन ऑफ शंग एम्पायर। जो पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ पर? अहुत में, इन विंध्य रीजन, विंध्या के जो क्षेत्र में लिखा हुआ है, ये सिद्ध करता है कि इस क्षेत्र में किसका शासन था? शंग साम्राज्य था, शंग साम्राज्य था उस समय। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट रिसोर्सेस मालविक गनी मित्र रिटन बाय कालिदास बिलोंग्ड टू द शंग वेमविक डायनेस्टी। और बुद्धिस्ट जो है उनके द्वारा, उनके स्रोत के द्वारा क्या लिखा है? मालविक गनी मित्र। ये रिटन बाय किसके द्वारा? मालविक गनी मित्र किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास। बिलोंग टू द शंग वेमविक डायनेस्टी। ये किससे संबंधित रखते थे? कहाँ से थे? शंग वैमिक राज्य से। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट रिसोर्सेज वैमविक डिसेंडेड फ्रॉम द कश्यप गोत्र इन ब्राह्मण। अब बुद्धिस्ट के उसमें जो लेख हैं या उनके जो भी स्रोत हैं, उनसे पता लगता है कि वैमविक कहाँ से आए थे? कश्यप गोत्र से थे, जो कि ब्राह्मण थे। द फैक्ट इज सपोर्टेड बाय हरिवंश। और जो सच्चाई है वो किसकी तरफ इंगित करती है, इशारा करती है? हरिवंश। अकॉर्डिंग टू हर्ष चरित्र पुष्यमित्र शंग वॉज ए ब्राह्मण किंग। और हर्ष चरित्र के द्वारा तो क्या देखता है? पुष्यमित्र कहाँ से? शंग जो थे, पुष्यमित्र शंग, वो एक ब्राह्मण राजा थे। ही एक्सटेंड द साइज ऑफ द स्तूप ऑफ सांची। अब उन्होंने आकार बढ़ा दिया था किसका? जो सांची के स्तूप है। एंड बिल्ड एन अल्टर वैदिक, और एक चबूतरा बनाया था। एट दैट वेरी टाइम, उसी समय, द बाउंड्री वॉल एंड मेन एंट्रेंस गेट तोरण द्वार वर ऑल्सो बिल्ट एट भड़ोत। और उसी समय और क्या क्या बनाया था? एक तो चारों तरफ की जो था कोटा, पर कोटा बोलते हैं या बाउंड्री वॉल भी होते हैं ना, जो चारों तरफ किसी भी जगह के दीवार बनाई जाती है। और एक मुख्य द्वार जिसको क्या तोरण द्वार, वो कहाँ बनाया गया था? भड़ू। आफ्टर शंग्स सतवाहंस फ्रॉम द साउथ एंटर्ड मालवा। शंग के बाद में कौन, किसने प्रवेश किया? सतवाहन ने, कहाँ पर? दक्षिण की ओर से मालवा में प्रवेश किया। सतवाहंस रूल्ड ओवर त्रिपुरी, उन्होंने कहाँ पर शासन किया? अपना त्रिपुरी में और विदिशा में। देयर कॉइन्स हैव बीन फाउंड नियर होशंगाबाद एंड जबलपुर। और उनके सतवाहन के सिक्के कहाँ पाए जाते हैं? होशंगाबाद में और जबलपुर में। एज पर सम रिकॉर्ड्स फाउंड इन नासिक केव ऑफ पलुमावी अवंती एंड महेश्वती। जैसा कि कुछ लेख है जो होता है ना रिकॉर्ड्स, वो कहाँ पाए गए हैं? नासिक की गुफाओं में और पलुमावी अवंती और महेश्वती में। विंध्य एंड सतपुड़ा रीजन, और विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र में भी। वर मेंशन एज पार्ट्स ऑफ सतवाहा एम्पायर, वहां भी बताया गया है कि कुछ जो ये सतवाहों का जो साम्राज्य था, उनकी कुछ चीजें वहां पर भी एक क्या कहना चाहिए, प्रूफ की तरह से, मतलब एक वो बताती है, सत्यापन करती है कि यहाँ पर इनका साम्राज्य था। किसका? सतवाहंस का। दिस प्रूव्स दैट द एरिया एक्सटेंडिंग अप टू नर्मदा वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सतवाहन। और ये भी सिद्ध करता है कि जो वो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, अप टू नर्मदा,
नर्मदा तक फैला हुआ, वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सतवाहन। किसके प्रभाव में था, किसके राज्य में था? सतवाहन के। सतवाहन मेड विदिशा देयर कैपिटल। सतवाहन ने विदिशा को अपना राजधानी बनाया। नाग डायनेस्टी, अब नाग का राज्य। एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी के शुरुआत में एडी, आफ्टर दैट ऑफ क्राइस्ट, द सिटी ऑफ पद्मावती, पद्मावती शहर था, विच इज नाउ कॉल्ड पवाया नियर नियर ग्वालियर। अब क्या कहलाता है ये पद्मावती जो ग्वालियर के पास है, पवाया, वॉज द कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी किंग्स। ये राजधानी थी किसकी? नाग राज्य की, है ना, नाग का जो शासन काल था उसकी कैपिटल थी। इट इज मेंशन दैट नाइन नाग किंग्स रूल्ड ओवर पवाया। ऐसा लिखा हुआ है कि नौ नाग राजा जो थे उन्होंने पवाया पे शासन किया। सेवरल कॉइन्स ऑफ देयर टाइम हैव बीन फाउंड, उनके समय के भी कई सिक्के मिले हैं। द रीजन ऑफ ग्वालियर एंड वेस्टर्न बुंदेलखंड वॉज अंडर देयर डोमेन, उनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? ग्वालियर और पश्चिमी बुंदेलखंड। देयर इज ए मेंशन इन द पुराणास ऑल्सो दैट नाग किंग्स रूल्ड ओवर विदिशा फॉर 9 सेंचुरी। पुराण में भी ये लिखित है, इसका उल्लेख है कि नाग किंग जो थे, नाग राजा, उन्होंने विदिशा के ऊपर 9 शताब्दी तक राज किया, 9 सेंचुरीज। शका एंड कार्डमग, अब शक और कार्डमग के भी शासन काल की बात देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी एडी, ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी के दौरान, द शक सत्राप्स ऑफ शराता डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन मालवा। अब किसने अपना राज्य फैलाया? शक सत्राप, कहाँ पर? शरात जो राज्य क्या कहलाया, शराता डायनेस्टी, इन्होंने स्थापित किए देयर किंगडम, उनका राज्य कहाँ कहाँ पर साम्राज्य किया? इन मालवा, गुजरात, काठियावाड़, इन द वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में। बट शतकर्णी द सन ऑफ गौतमी, शतकर्णी कौन थे, किसके पुत्र थे? गौतमी ऑफ शतवाहन, ये जो डायनेस्टी थी शतवाहन डायनेस्टी के, गौतमी जो थी उनके पुत्र थे। डिफीटेड देम, किसको हरा दिया उन्होंने? एंड क्रश दिस पावर, देयर पावर, शका को हरा के उनकी जो ताकत थी उसको खत्म कर दिया। द नेम ऑफ द अदर, दूसरा नाम किसका आता है, दूसरा नाम या दूसरी शाखा किसकी आती है? सत्रप्स की, वॉज कार्डमक, और वो उसका नाम है कार्डमक, हुज कैपिटल वॉज उज्जैन, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। सून अ न्यू किंगडम इमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चश्ता, और जल्दी ही एक नई राज्य, नई साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको कायमे मिला दिया, किसके नेतृत्व में? चश्तान के नेतृत्व के अंतर्गत उसको भी मर्ज कर लिया गया। द फाउंडर ऑफ द कार्डमक डायनेस्टी, वो किसके संस्थापक थे? कार्डमक राज्य के। ही रिकैप्चर्ड, उन्हें फिर वापस से उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, ऑल द एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, नर्मदा का पूरा जो क्षेत्र था उत्तरी क्षेत्र उसको अपने अधीनस्थ कर लिया, फ्रॉम द सतवाहन, किससे ले लिया? सतवाहन लोगों से। सतवाहन हैड वन दिस लैंड एरिया फ्रॉम नाहपाल, और सतवाहन ने किससे जीता था ये क्षेत्र? नाहपाल से। कॉइन्स इशूड बाय चश्तान हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, और सिक्के किसके द्वारा? चश्तान के द्वारा कहाँ पाए जाते हैं? उज्जैन में, विदिशा में एंड शिवपुरी में, इनके सिक्के उज्जैन, विदिशा और शिवपुरी में पाए जाते हैं। चश्तान ग्रैंडसन, चश्तान का जो पोता था रुद्रधाम, वॉज ए वेरी ब्रेव किंग, रुद्रधाम क्या था? बहुत ही बहादुर राजा था। ईस्ट एंड वेस्ट मालवा, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, अकर एंड अवंती, है ना, इनका नाम क्या? अकर और अवंती वर अंडर हिज डोमेन एट द टाइम, उसके शासन काल के अंदर थे, वो राज्य करता था उसके अंतर्गत थे। द कॉइन्स इशूड बाय रुद्रदामा हेयर हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और रुद्रदामा के द्वारा जो सिक्के निकाले गए थे या प्रचलित थे वो उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा कहाँ पर थे? फाउंड इन
मतलब रुद्र दामा के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्वेंस जो थे इशू किए थे, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में, है ना। सो वी विल डू क्वेश्चन आंसर आफ्टरवर्ड्स, दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, है ना। हम प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे।